सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे, तथा जैसा कि आप चाहते थे लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना, अब आप अपने उस हमारे पढ़ाने के उस तरीके से और अपने पढ़ने के उस तरीके से भी संतुष्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है बच्चों, आज आपकी कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ कारणवश 2 दिन तक हमारी वीडियो क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस नहीं होंगी। तो आपको अच्छी बात है, एक अब बहुत दिनों से लाइव क्लासेस चल रही हैं, वीडियो नहीं आए, वीडियो क्लासेस नहीं हुई, तो आपके लिए ये हम आशा करते हैं आपको ये अच्छा ही लगेगा। और जो आपको वीडियो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें आपको मतलब समझने के बाद अगर आपको कोई संशय होता है, कोई डाउट होता है, तो जब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो पाठ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ ऐसा कुछ भाग हो, कोई ऐसा कोई हिस्सा हो जो आपको ना समझ आए, तो फिर वो लाइव क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होंगी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमेशा अपने पाठ की पुनरावृत्ति कराने के बाद ही मैं आगे की ओर चलती हूँ। तो अगर कुछ ऐसा रहेगा जो आपको वीडियो क्लास में नहीं समझ आएगा या आप डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछ पाएंगे, तो वो हम लाइव क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आज का दोहा लिखिए। कबीरदास जी का दोहा है, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, तेनर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी सारथी शब्द। तेनर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी सारथी शब्द। अर्थात दया भाव जिसके हृदय में नहीं है, वह मनुष्य जिसके हृदय में दया भाव नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान अर्जन कर ही थके पड़े हैं, मतलब ज्ञान अर्जन करते करते थक गए हैं, वे सब के सब ज्ञानी होने के बावजूद नरक में ही जाएंगे। क्योंकि सुनी सुनी सारथी शब्द, अर्थात वह रूखे सूखे शब्दों के ज्ञानी सारे के सारे नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दया भाव, प्रेम भाव उनके हृदय में नहीं है, जो मानव जीवन का सार है। जैसा कि हमने पहले भी एक दोहा किया था, दया धर्म का मूल है, तो उसी प्रकार जिनके हृदय में, जिन मनुष्यों के हृदय में दया का भाव नहीं है, उनके हृदय में दया, क्षमा इस प्रकार के भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, वे कितने भी ज्ञानी हों, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन अंततः नरक के भागी ही होंगे, नरक में ही जाएंगे, उनका जीवन जो है वो व्यर्थ है। अब चलिए बच्चों, अपना ज्यादा समय ना गवाते हुए अपने पाठ की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ काल। काल के बारे में जानेंगे, काल के भेदों के बारे में, काल के प्रकारों के बारे में, काल के भेदों के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखिएगा, जैसे जैसे आप वीडियो में देखेंगे वैसे वैसे अपनी पाठ्य पुस्तक में भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ साथ पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे। अगर कोई भाग कुछ आपको ना समझ आए, आप वीडियो वापस रिपीट कर भी देख सकते हैं। वीडियो में आपके पास ये सुविधा भी उपलब्ध होती है, जबकि लाइव क्लासेस में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा लगे, कुछ नहीं समझ आया या कुछ छूट गया, तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन पाठ पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, पाठ्य पुस्तक अवश्य अपने पास रखेंगे। तो देखिए बच्चे, आज का हमारा पाठ है काल। काल जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। यह है काल की परिभाषा। साथ साथ पाठ्य पुस्तक में भी देखिए, आपको बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, ठीक है, पढ़िए और समझिए। देखिए, चित्रों के नीचे जो आपके वाक्यांश लिखे हैं उनको भी ध्यान पूर्वक आप पढ़िए। कुम्हार ने कल घड़े बनाए थे, कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हार कल घड़े बनाएगा। ये सारे चित्र आपको दिए गए हैं, इनको देखिए और नीचे के वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उपयुक्त वाक्यों से क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है।
पहले वाक्य में क्रिया बीते समय में हुई थी, दूसरे वाक्य में क्रिया चल रहे समय में हो रही है, और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं। इस प्रकार हम व्याकरणिक दृष्टि से परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब काल के भेदों के बारे में देखिए। काल के तीन भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यकाल। अब हम काल के तीनों भेदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है भूतकाल। भूतकाल के भी आगे छह भेद हैं। पहले नाम देख लीजिए। भूतकाल के आगे छह भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु हेतु मन भूतकाल। इसमें हम प्रत्येक भाग को विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखिए, काल के तीन भेदों के बारे में बताया। भूतकाल यानी कि जो भूत हो चुका है, जो बीत चुका है। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। भविष्यकाल जो आगे आने वाला है यानी कि जो भविष्य है। तो देखिए, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले हमने भूतकाल की परिभाषा जानी कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पिछले वर्ष आया था, राहुल ने पिछले साल परीक्षा दी थी। अब आगे देखिए, भूतकाल के छह भेद हैं जिनके नाम हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमन भूतकाल। इसमें आपको इसके आगे छह भाग हैं। आगे आपने आप देख रहे होंगे जैसा बोर्ड पे कि हमने पहले इसके तीन पढ़े, फिर भूतकाल के छह हो गए, वर्तमान के चार हो गए, भविष्य के चार हो गए। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। जिस प्रकार जो इनके नाम है, इनके नामों में ही इनके अर्थ है। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि हम जो हिंदी भाषा है, हम जो पढ़ते हैं, उसके हर शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छुपा है। सिर्फ हमें जरूरत है उस अर्थ को बाहर निकालने की, उस शब्द को तोड़कर अर्थ को बाहर निकालने की। तो आगे देखिए हम कैसे इसको समझेंगे। सामान्य भूत, ठीक है, इससे बीते समय का बोध होता है। ये तो भूतकाल है, बीते समय का बोध होगा ही, परंतु यह पता नहीं चलता कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ। सामान्य भूत में कार्य के पूरे हो जाने का साधारण ढंग से बोध होता है। यानी नॉर्मली हमको बस ये पता लगता है कि कार्य पूरा हो गया, बीते समय में पूरा हो चुका है, लेकिन कब पूरा हुआ, किस वक्त पूरा हुआ, इसका हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी, प्रदीप अपने मित्र समीर के साथ घूमने गया था। उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से ही हम बहुत आसानी से समझ पाते हैं विषय को। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न शब्द का अर्थ होता है निकट यानी पास में। तो देखिए, इसके शब्द के अर्थ में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कि निकट पास में ही खत्म हुआ, यानी कि अभी अभी हाल फिलहाल ही खत्म हुआ है। इस प्रकार यह काल भूत और वर्तमान काल दोनों से संबंधित होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित करिए। इस प्रकार यह काल भूत और वर्तमान काल दोनों से संबंधित होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे मैं अपना हमेशा जब भी हमारा पाठ समाप्त हो जाता है, मैं बीच से प्रश्न पूछती हूँ आपसे। अगर मैं प्रश्न पूछ लूँ, ऐसा कौन सा काल है जो भूत और ऐसे काल का कौन सा भेद है जो भूत और वर्तमान काल दोनों से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं। उसका उत्तर है आसन्न भूतकाल। उदाहरण देखिए, समीर आ गया है, यानी कि समीर अभी अभी आया है, वह अभी आया है। तो इसमें भी कार्य के पास में निकट समय में पूर्ण होने का पता चल रहा है। दूसरा देखिए, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी कि जो अपने आप में
पूर्ण है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इससे यह बोध होता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, निकट भूतकाल में नहीं। मतलब काम पहले ही पूरा हो चुका है, हाल फिलहाल या अभी अभी या पास में पूरा नहीं हुआ, निकट काल में पूरा नहीं हुआ। इसलिए इसमें क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे उसने सच कहा था, कब कहा था किसी को नहीं पता, लेकिन सच कहा था, बहुत समय पहले की बात है, काम पूरा हो चुका है, वो कह चुका है। वह कल आई थी यानी कि हाल फिलहाल अभी निकट समय में उसके आने की कोई संभावना नहीं थी, उसके आने की कोई खबर नहीं थी, वह कल आई थी यानी कि बीते समय में काम पूरा हो चुका था, वह काम कर चुका था। अगला देखिए, अपूर्ण भूतकाल। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु उसके पूरा होने के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमने नाम में ही देखिए अपूर्ण, जो कि पूरा नहीं है, अपूर्ण है, तो नाम में ही उसका अर्थ है, उसी से समझेंगे। इससे हमें बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू तो हो गया लेकिन उसके पूरा होने के बारे में हमें पता नहीं है कि वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे वह गाता था, सुनीता आ रही थी, वह पढ़ रहा था। वह गाता था, सुनीता आ रही थी, वह पढ़ रहा था, यानी कि काम हो रहा था ये तो पता है, भूतकाल में शुरू हो गया, लेकिन पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। अगला देखिए, संदिग्ध भूतकाल। इससे अनुमान का बोध होता है और क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट किया जाता है, इसलिए ऐसी क्रिया से यह स्पष्ट बोध नहीं होता कि काम पूरा हुआ या नहीं। मतलब यहाँ संदिग्ध, हमें संदेह है, संदिग्ध में से अर्थ लीजिए संदेह, यहाँ पे संदेह का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका हमें कोई पता नहीं है। तुमने देखा होगा, उसने पढ़ा होगा, अब होगा या नहीं होगा इसका हमको संदेह है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल इसलिए है क्योंकि संदेह का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसी क्रियाएं संभावनात्मक होती हैं, यानी कि संभावना के आधार पर होती हैं, निश्चयात्मक नहीं होती, ये निश्चयात्मक नहीं होती, यहाँ निश्चितता का अभाव होता है, अर्थात इनमें काम के होने की संभावना का भाव होता है, काम के निश्चित रूप से होने का नहीं। यानी कि काम के होने की संभावना तो होती है लेकिन उसके निश्चित रूप से पूर्णता का अभाव होता है, उसमें निश्चितता का अभाव होता है कि निश्चित, वो निश्चित समय पर पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा हुआ भी है या नहीं। इसलिए इनके साथ अवश्य, शायद आदि का प्रयोग निश्चित या संदेह की भावना पर जोर देता है, निश्चित या संदेह की भावना को प्रकट करता है। वह अवश्य ही गया होगा, शायद वह गया होगा, तो यहाँ पर संभावना है, अवश्य क्या होगा वो भी संभावना या संदेह को प्रकट कर रहा है, और शायद वह गया होगा ये तो पूर्ण रूप से संभावना को प्रकट कर रहा है। संदिग्ध भूतकाल की रचना इस प्रकार होती है, धातु प्लस आ, धातु जमा आ, होगा होंगे, होंगा होंगे। धातु आप जानते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं पिछले पाठ में, तो धातु के साथ आ, होगा होंगे, होंगा होंगे, ठीक है। हेतु हेतु मन, इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था वह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी, ठीक है। जैसे वर्षा होती तो उपज होती, वह यहाँ होती तो मुझे अच्छा लगता, ऐसे वाक्यों का पहला वाक्य जो है वो हमेशा उपवाक्य होगा, ठीक है। क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें किसी शर्त का बोध होता है, हेतु का अर्थ है कारण, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वो नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, यानी कि किसी को कारण बताकर उस बात के लिए विरोध प्रकट करना या उस बात के ना होने की संभावना प्रकट करना, ना होने का पता लगना। इसलिए ऐसे वाक्यों में यह बोध होता है कि किसी कारण से कोई कार्य पूरा नहीं हो सका, ठीक है। अब ये हमने पढ़े
भूतकाल के 6 भेदों के बारे में, जिसमें हमने सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमन भूतकाल के बारे में जाना। अब एक बार पाठ्य पुस्तक से भी इसे पढ़ते हैं, ध्यान से पाठ्य पुस्तक में देखिएगा। अब मैं आपको ये पाठ्य पुस्तक में से पढ़ाऊंगी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ इसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में देखेंगे बच्चे, नीचे आपको चित्र दिए हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। राघव तबला बजा रहा था। हमारी परीक्षाएं मार्च में होंगी। तो यहाँ पे जिन शब्दों को गुलाबी रंग से हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिखाया गया है गहरे गुलाबी रंग से, थे, बजा रहा है, होंगी, उपयुक्त वाक्यों में था, बजा रहा है और होंगी क्रिया शब्द हैं। इनके काम के अलग अलग समय यानी कि काल में होने का बोध हो रहा है। जैसे थे, इस क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य बीते समय में हुआ था। बजा रहा है क्रिया से यह ज्ञात हो रहा है कि कार्य अभी चल रहा है। होगी क्रिया से यह ज्ञात हो रहा है कि कार्य अभी होना है और आने वाले समय में होगा। इस प्रकार हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। काल के 3 भेद, जैसा मैंने आपको बताया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल, यह काल बीते हुए समय का बोध कराता है। जैसे कक्षा में शोर हो रहा था, भारत ने विश्व कप जीता था, ये वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य हैं। आगे देखिए, बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराने वाली क्रिया के रूप को भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 भेद, जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताया था कि भूतकाल के 6 भेद हैं, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमन भूतकाल। इसको आपने अच्छे से जाना, एक बार पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए और मेरे साथ साथ सभी बच्चे रीड करेंगे, सभी बच्चे पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण दिए थे मैंने आपको, अब पाठ्य पुस्तक के उदाहरण देखिए। बच्चे ने आइसक्रीम खाई, गीतिका ने नृत्य किया, उपयुक्त वाक्य की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका अभी अभी पढ़ाकर गई है, उपयुक्त वाक्य की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न का अर्थ निकट होता है। आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूं, है, हो लगा लगता है या लगा होता है, इससे आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने कई संस्मरण लिखे हैं, उपयुक्त वाक्य की क्रियाएं बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हैं, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण यानी कि जिसके नाम से ही मैंने बताया था आपको, स्पष्ट हो रहा है जो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक में, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा था, बारिश हो रही थी, उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चलता है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी को बस मिल गई होगी, हम नहीं जानते मिली होगी या नहीं मिली होगी, लेकिन
हम ये संभावना प्रकट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर संभावना की बात होती है, संभावना का हमें आभास होता है। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, हमें पता नहीं है, हमें संदेह है होंगी या नहीं होंगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतुबंध भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह क्रिया हेतु हेतुबंध भूतकाल कहलाती है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यही उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया था, हेतु का अर्थ भी आपको बताया, उसका अर्थ होता है कारण, यानी कि इस कारण से यह नहीं हुआ या इस कारण से यह हो जाता। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती, अतः यह हेतु हेतुमंद भूतकाल की क्रियाएं हैं। सभी बच्चों को समझ आया, आशा करती हूँ सभी बच्चों को पाठ समझ आया होगा। जैसा कि हमेशा मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोलती हूँ, आप जितना पाठ आपने समझा, जितना आपको आज पढ़ाया, जैसा मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर दिखाया, आप भी इस पाठ का प्रारंभ करने से पहले अपने उत्तर पुस्तिका में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद ही पाठ का आरंभ करेंगे। फिर जैसा हमने आज काल के बारे में जाना, काल की परिभाषा, काल के तीन भेद जाने, वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। उसके बाद भूतकाल के 6 भेदों के बारे में हमने आज पढ़ा। अब आज के लिए इतना ही, कल हम वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में जानेंगे और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।